देखो जनरली इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि तीन तरह के लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री से जिसको बोलते हैं इंटरनेट मार्केटिंग, उसे तीन तरह के ऐसे लोग हैं जो पैसे अर्न करते हैं। राइट, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो इस फील्ड को छोड़ के चले जाते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस फील्ड में सक्सेस हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी चीज की बात करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि आपको चाहिए ऐसी वीडियोस जो आपको सफल बना सके इस मार्केट में। सो मेक श्योर सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन प्रेस करो और इस वीडियो को लाइक करो, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस लेके आने के लिए। लेट्स गो। सो माय नेम इज स्टीयर, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वॉचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वो तीन ऐसे लोग जो इस मार्केट में सफल होते हैं और आप भी उनको कॉपी करके सफल हो सकते हो। यस, मैंने सही वर्ड यूज किया है, कॉपी, बिकॉज इस मार्केट में कुछ भी आप छिपा के नहीं रख सकते, बिकॉज ये मार्केट है इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे तो छुपाई हुई चीजें भी नहीं छुप पाती हैं। एम आई राइट? छुपाई हुई चीजें नहीं छुप पाती। तो आपको बस अपनी जो नजर है उसको बाज के जैसे सही सफल लोगों पर गड़ानी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या कर रहे हैं और आप उनको कॉपी करके आप भी सफल हो सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले जो लोग हैं जो सफल होते हैं वो होते हैं लर्नर। अगर इस मार्केट में आपको टिकना है तो हर दिन, हर सेकेंड, हर पल यहां कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, बिकॉज ये सारा जो बिजनेस है वो है इंटरनेट का, और इंटरनेट कभी थम नहीं सकता। तो आप देखना, लिटरली आप इस चीज को देखना कि वही लोग इस मार्केट में सक्सेस हो रहे हैं जो लोग कंटिन्यू नई नई चीजों को अप्लाई कर रहे हैं और कंटिन्यू हवा के साथ बह रहे हैं। इसका मतलब कि जो चीजें सामने आ रही है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड उसको बिल्ड कर रहे हैं, वही लोग इस मार्केट में टिकते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं इस मार्केट में मुझे नई चीजों को अप्लाई नहीं कर रहे तो मैं डूब जाऊंगा, और ऐसा ऑफलाइन में भी होता है, लेकिन ऑनलाइन में चीजें बहुत तेजी से कन्वर्ट होती हैं। लाइक अभी आप देख सकते हो जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम ने फेसबुक को बीट करना स्टार्ट कर दिया, और वहीं पर आया एक टिकटॉक नाम का चीज, और टिकटॉक ने इंस्टाग्राम को भी बीट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो चीजें कितनी तेजी से मूव ऑन हो रही हैं। तो लर्निंग इज द पिलर ऑफ दिस इंडस्ट्री। आपको एज अ लर्नर इस इंडस्ट्री में आना ही होगा, चाहे वो आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, ड्रॉप शिपिंग में हो, सीपीए में हो, किसी प्लान्स में हो, जो भी करते हो आप, अगर आप इंटरनेट मार्केटिंग में हो तो आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इस वीडियो को मिस मत करना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके कि आपका व्यक्तित्व और आपका एटीट्यूड कैसा है इस मार्केट में, और उस चीज को आप आगे ग्रो कर। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड हस्टलर। हस्टलर वो होते हैं जिनका एटीट्यूड होता है नेवर एवर गिव अप। गाइस, ये वो लोग होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, करना है यानी करना है। अगर मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं तो मैं टाइम को पास करने नहीं आया हूं, मैं करने के एटीट्यूड से आया हूं। मतलब कि जैसे कि मैंने स्टार्ट कर दिया एफिलिएट मार्केटिंग, इसका मतलब ये है कि मैं जब तक एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छे लेवल पे सक्सेस नहीं हो जाता, मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ के कहीं और नहीं जाने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं गड्ढा खोदना चाहता हूँ, मैं समझ लो जमीन पे कुआं खोदना चाह रहा हूँ, ठीक है, एंड ऊपर मट्टी है और मैंने कुआं को खोदना स्टार्ट कर दिया है, अब मैं कुआं खोद रहा हूँ खोद रहा हूँ खोद रहा हूँ और पत्थर आ जा रहे हैं नीचे, और मैं कुआं किस चीज से खोद रहा हूँ, मैं एक्स से, वो क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी से कुएं को खोदते जा रहा हूँ, बट नीचे बहुत बड़ा पत्थर है और मैं उसको खोद रहा हूँ बट वो खुद ही नहीं रहा। व्हाई? बिकॉज वो बहुत बड़ा पत्थर है, उसे आप नहीं खोद सकते एक्स से, आपको मशीन चाहिए उसको खोदने के लिए, राइट? और उस मशीन से खोद के आप अंदर जाओ, राइट? तो नेवर गिव अप का मतलब क्या होता है कि आपको ये चीज करना है, बट आपको समझना है ये चीज कैसे होगी और उसके साथ आगे बढ़ना है। इसको बोलते हैं हस्टलिंग इन वन फील्ड, राइट? जो सेकेंड लोग होते हैं वो होते हैं हस्टलर इस फील्ड में। बिलीव मी, हस्टलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। और गाइस, थर्ड वो लोग होते हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिन्हें बोलते हैं एक्शन टेकर्स।
गाइज इस फील्ड में वही लोग आज सक्सेस हैं जो एक्शन टेकर्स हैं, और जो मैं हमेशा आपको कहता हूं आपको एक एक्शन टेकर बनना है। अगर आप एक एक्शन टेकर नहीं हो, आप बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो लाइक दैट, हाँ मैं सोचूंगा, हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं कल से स्टार्ट करूंगा, देखते हैं क्या होगा, मैं पहले नॉलेज लूंगा, तो ये जो चीजें हैं गाइज इस इंडस्ट्री में बिल्कुल काम नहीं करती। अगर आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो होना है तो यू नीड टू टेक अ मैसिव एक्शन। आपने कुछ देखा उसको समझो, 5-10 एक घंटा या एक दिन उससे ज्यादा नहीं लगाओ, सोचो समझो एंड गो फॉर दैट। अगर आप ऐसे सोचो हाँ मैं करूंगा सोचू, कभी नहीं कर पाओगे। और बिलीव मी, आप रिलेट करो इन तीनों पॉइंट को, जो लोग भी इस इंडस्ट्री में फेल हो रहे हैं उनके पास ये तीनों पॉइंट नहीं है। अगर एक भी पॉइंट उनके पास हो तो वो सक्सेस हो सकते हैं इजी इन दिस इंडस्ट्री। और मार्क माय वर्ड, ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिस इंडस्ट्री, और जितने लोग भी सक्सेस हैं आप जाके उनको देखो, वो ये तीन चीज से ही बिलोंग करते हैं। लर्निंग, हसलिंग, एक्शन टेकर्स, ये तीन लोग ही हैं जो पूरा गेम चेंज करते हैं इस इंडस्ट्री में। सो गाइस, आपको भी इन तीनों में से किसी एक चीज को अपनाना है और काम स्टार्ट करना है। और अगर आप बहुत ज्यादा पैसा अर्न करना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लान है जहां मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं अपने आप को बिल्ड करने में, मतलब आपको बिल्ड करने में कि आप कैसे ये सारी चीजें कर सकते हो, मैं आपको लिटरली सिखाने वाला हूं। तो नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करो, उस वीडियो को जरूर देखो ताकि आपको समझ में आ सके आप कैसे तेजी से पैसे बना सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।